यही समय है, सही समय है, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल यही समय है। हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। नए भारत के सृजन का ये अमृत काल है। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। अमृत काल 25 वर्ष का है, लेकिन हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अभी से जुड़ जाना है। असत्य बुझाओ की शक्ति है, गली गली में देशभक्ति है, तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, नए भारत को गढ़ने का यही समय है। बीते वर्षों में शुरू ही अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है, लेकिन अब हमें सेचुरेशन तक जाता है, पूर्णता तक जाना है। शत प्रतिशत गांवों में सड़कें हो, शत प्रतिशत परिवारों के बैंक अकाउंट हो, शत प्रतिशत लाभार्थी को आयुष्मान भारत का कार्ड हो, शत प्रतिशत पात्र व्यक्तियों को उज्ज्वला योजना और गैस कनेक्शन हो, सरकार की बीमा योजना हो, पेंशन योजना हो, आवास योजना से हमें हर उस व्यक्ति को जोड़ना है जो उसके हकदार है। यही समय है, यही समय है, परिवारजनों। विकसित भारत संकल्प यात्रा सेचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। आज हर तरफ भारत की इस सफलता की चर्चा है कि हमारी सरकार के 5 वर्षों में 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। 2014 में हमने सेवक की भावना से आपके सेवक की तरह काम करना शुरू किया। जिन्हें सबसे दूर समझा जाता था, सरकार खुद चलकर उनके पास गई। 2014 से पहले देश के गांवों में स्वच्छता का दायरा 40% से भी कम था। आज हम 100% के लक्ष्य पर पहुंच रहे हैं। हमारी सरकार से पहले LPG कनेक्शन सिर्फ 50-55% घरों में था, आज करीब करीब 100% घरों में महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिल चुकी है। पहले देश के सिर्फ 55% बच्चों को ही जीवन रक्षक टीके लग पाते थे, आज लगभग 100% बच्चों का टीकाकरण हो पा रहा है। आजादी के बाद 7 दशकों में देश के सिर्फ 17% ग्रामीण परिवारों तक नल से जल की सुविधा थी। जल जीवन मिशन की वजह से आज ये भी 70% तक पहुंच रहा है। मोदी ने समाज के वंचितों को अपनी प्राथमिकता बनाया, क्योंकि वो लोग हैं जिनके बीच में जिया हूं। मैंने कभी ऐसे परिवारों की रोटी खाई है,
मैंने कभी समाज के आखिरी व्यक्ति का नमक खाया है, मैं आज वो कर्ज चुकाने आया हूं। ये यात्रा 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती से शुरू करके अगले साल 26 जनवरी तक उसको चलाया जाएगा। इस यात्रा में सरकार मिशन मोड में देश के गांव गांव जाएगी, हर गरीब हर वंचित को सरकारी योजनाओं का जो हकदार है उसके हक के लिए उसको लाभार्थी बनाया जाएगा। सरकार ने ऐसे ही एक ग्राम स्वराज अभियान चलाया था। भारत सरकार के 1000 अफसरों को गांवों में भेजा था। ग्राम स्वराज अभियान की तरह ही हमें विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी ऐसे हर हकदार को मिलकर के इस योजना को सफल करने का प्रण लेकर के निकलना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक तरह से देश के गरीबों को, देश की माताओं बहनों को, देश के नौजवानों को, देश के किसानों को मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। भारत को बढ़ने का यही समय है। 21वीं सदी में भारत के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने से कोई भी बाधा अब हमें रोक नहीं सकती। इंडिया इज ऑन द मून। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। यही समय है। संकल्पों के साथ हर बाधा से लड़े और नई राह बनाते आए हैं। एक दशक में हर चुनौती पर जीत का परचम लहराते आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने कई उपलब्धियों पर अपना नाम दर्ज किया है, कई कीर्तिमान बनाए हैं और अग्रसर है नए संकल्पों की सिद्धि की ओर। विकसित भारत जो आत्मनिर्भर हो, विकसित भारत जो विश्व शांति का संदेश दे, विकसित भारत जहां सबको अपने सपने पूरे करने का समान अधिकार हो। संकल्प ही साहस, संकल्प ही सेना, संकल्प ही ज्योति, संकल्प सवेरा। याद है ना कैसे हमारी माताएं हमारी बहनें काले धुएं में खांस खांस कर आधी हो जाया करती थीं, पर अब वो कैसे स्वस्थ जीवन बिताती हैं। घर घर उज्ज्वला ज्वाई है, क्योंकि संकल्प था धुएं को हराने का। याद है ना हमारी बच्चियां पानी भरने जाती थीं, जिसके चलते स्कूल छूट जाया करता था, पर अब घरों में नल और बेटियां हैं स्कूल में, क्योंकि संकल्प था घर घर जल पहुंचाने का। याद है ना जब गिनती के आवास बनते थे, बिचौलियों की भेंट चढ़ जाते थे, पर अब आजादी के बाद सबसे अधिक घर बने हैं, वो भी सारी सुविधाओं से युक्त, क्योंकि संकल्प था सबके लिए निष्पक्ष मिले पीएम आवास। याद है ना
जब घर का एक सदस्य बीमार पड़ता था तो पूरा परिवार गरीबी और विवशता के जाल में फंस जाता था। पर अब सभी के पास 5 लाख तक का निशुल्क इलाज देने वाला आयुष्मान कार्ड है, क्योंकि संकल्प था बीमारी को हराने का, ना कि उसके खर्च से हारने का। याद है ना, हमारे अन्नदाता, हमारे किसानों को ऋण और ब्याज के बोझ तले दबते देखना, चाह कर भी कुछ ना कर पाना। पर अब वो बदल गया है। किसान क्रेडिट कार्ड, किसान सम्मान निधि उनके सम्मान की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि संकल्प था अन्नदाता के खेतों में फसलों के साथ खुशियां भी होंगी। याद है ना, पहले गरीबों के लिए बैंक की सीढ़ी दूर थी, पर आज जनधन योजना ने उन्हें नई आर्थिक शक्ति दी है, क्योंकि संकल्प था सभी के विकास का। याद है ना कैसे असमय गरीब की मृत्यु हो जाने से उसका पूरा परिवार संकट के दलदल में फंस जाया करता था, पर आज जीवन ज्योति बीमा योजना पॉलिसी धारक की मृत्यु के बाद भी उसके परिवार का ख्याल रखती है, क्योंकि संकल्प था दुख की घड़ी में साथ निभाने का। याद है ना, गरीबी और भूख एक अभिशाप सा था, पर अब नहीं है। कैसे हर गरीब को महीने के महीने निशुल्क राशन मिल रहा है, क्योंकि संकल्प था कि भरपेट भोजन की संतुष्टि हर चेहरे पर दिखे। याद है ना, हम गरीबों के लिए बुढ़ापा तो मानो कई दिक्कतें लेकर आता था। छोटी मोटी जरूरतें पूरी करने के लिए हाथ फैलाने पड़ते थे, पर अब बुजुर्गों के हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं। अब पेंशन अभियान ने बुढ़ापे को वरदान बना दिया है, क्योंकि संकल्प था बुजुर्गों की सेवा। सालों साल जो मुश्किल था वो अब मुमकिन है। आज भारत के गांव-गांव में डिजिटल क्रांति ने तेज रफ्तार पकड़ ली है, जिनसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था नई ऊंचाई हासिल कर रही है। नारी शक्ति को समर्पित योजनाओं से हमने बड़े नतीजे हासिल किए हैं। तभी तो एक दशक में भारत के गांव में विकास के नए क्षितिज का निर्माण हुआ है। इसलिए तो संकल्प की हमारी ये यात्रा चल रही है अनवरत, क्योंकि विकसित भारत के सबसे बड़े लक्ष्य तक जो पहुंचना है। और 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा तो विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। ये हमारा सिर्फ सपना नहीं है, ये हमारा संकल्प है। और इस संकल्प को पूरा करने के लिए देश का एक एक नागरिक कटिबद्ध है। विकसित भारत का सपना मैं अब ना रुकने वाला हूँ। विकसित भारत का सपना मैं अब ना रुकने वाला हूँ।
કર્તવ્યનું પાલન કરીશું. વંદે